तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है फिटर टेट से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि फ्रेंड, मैं यहाँ पर रेलवे ALP CBT2 में पूछे गए जो है सारे फिटर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है कई वीडियो में आपको बताऊँगा। हर वीडियो में आपको जो है यहाँ पर 75 क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इन सभी पेपरों की जो है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर जो है आप इन सभी पालियों के पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं फिटर ट्रेड से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पर लाया हुआ हूँ मैं, यहाँ पर 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2019 में आपका। यहाँ पर फिटर के प्रथम पाली के क्वेश्चन यहाँ पर पहले मैं कराऊँगा। तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें टोटल होंगे 75 क्वेश्चन। हर वीडियो में जो है यहाँ पर 75 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपकी जो है काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए पहले सवाल से यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। तो देख सकते हैं काफ़ी लंबा यहाँ पर PDF है। मैं यहाँ पर जो है आपको फिटर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैं फिटर्स वाले सेक्शन पे आ चुका हूँ, यानी कि टेक्निकल वाले सेक्शन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको लिखा दिख गया होगा फिटर ट्रेड। तो चलिए बात करते हैं, पहला यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया था फिटर ट्रेड से 21 जनवरी के प्रथम पाली में। तो पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से पाइप के थ्रेड के मानक प्रारूप की यहाँ पर पहचान करना है यहाँ पर आपको। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर था? BSP जो है इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, टैब वाशरों का उपयोग जो होता है ये किस में किया जाता है यहाँ पर, कहाँ पर इसका जो है टैब वाशरों का प्रयोग किया जाता है। तो नटों को लॉक करने के लिए जो है यहाँ पर टैब वाशरों का जो है प्रयोग किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको DMRC एग्ज़ाम में अथवा जो है अन्य सभी एग्ज़ाम में जो है काफ़ी मदद करेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। पिंच जैक में किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है? तो पिंच जैक में जो है यहाँ पर स्क्वायर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पाइप के एक सिरे को अवरुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग आइटम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्लग का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर हाथ ड्रिल मशीन का जो है प्रयोग किया जाएगा। एल्युमिनियम, पीतल, तांबा और हल्के स्टील से बने काम के टुकड़े के समूह में एल्युमिनियम को नेत्रहीन कैसे पहचाना जा सकता है? नेत्रहीन जो है कैसे पहचाना जा सकता है? तो सौर स्वरूप का अवलोकन करके जो है इसको पहचाना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सेंटर पंच बनाने में यहाँ पर उच्च कार्बन युक्त जो है इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो है इन सभी पेपरों की जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक को जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर जो है आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद जो है इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पर पूछा गया था है, किस प्रकार का रखरखाव सबसे प्रभावी है? तो किस प्रकार का है? प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेन रिंग वाले गेज का उपयोग जो होता है किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? तो किसकी जांच करने के लिए? वर्क पीस के वाय
व्यास की जांच करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार कितना होता है, तो कितना होता है 32 mm x 9 mm होता है। साफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार के बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, वी बेल्ट का यहाँ पर जो है उपयोग किया जाता है। तो वर्नियर वेवल प्रोक्टर का अल्पतनांक जो होता है ये कितना होता है, तो ये 5 मिनट होता है। सीट को दो टुकड़े या अधिक में कतरना के रूप में जाना जाता है, तो इसे किसे कहा, क्या कहा जाता है, पटिंग कहा जाता है। पाइपलाइन में ग्लोबल वाल्व का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य जो होता है यह जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है। लौह एवं अलौह धातु में छिद्रों के सर्वोत्तम परिष्करण सुपर फिनिशिंग के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर होनिंग का जो है उपयोग किया जाता है। बाल बियरिंग के प्रकोष्ठ रेसेज बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्रोमियम स्टील का जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेस फास्टनर का प्रकार नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, टेप जो है इसका करेक्ट आंसर है। वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता कितनी होती है, तो 0.02 mm इसकी जो है शुद्धता होती है। साइन बार की लंबाई जो है ये किसके बीच की दूरी है, तो रोलर्स के बीच की केंद्र से केंद्र की दूरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है, तो इसे छिदाई कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है, तो किसे फिट किया जाता है, टॉप स्लाइड को इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंकन मीडिया दायर या मशीन समाप्त सतहों के लिए उपयोग किया जाता है, तो प्रेसियन इस ब्लू आयल पेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बेल्ट सामग्री अम्ली और गीली स्थिरता की समानता कर सकती है, तो बलाटा जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है शक्ति संचारित करने के लिए दो सॉफ्ट अओ को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता, तो बाल बियरिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसी थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर स्क्रू पिच गेज का जो है उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट शोल्डर में टिन का प्रतिशत जो होता है ये कितना होता है, तो ये 63% होता है। निम्नलिखित में से कौन एक गोज को गेज का उपयोग है, तो छेद के आकार का जांच करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अंगूठे और उंगली से किस नट को आसानी से संचालित किया जाता है, तो विंग नट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में जो है आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। चक्रीय गति को रैखिक गति में और रैखिक गति को चक्रीय गति में बदलने के लिए किस प्रकार के गियर सेट का प्रयोग किया जाता है, तो रैक और पिनियन इसका करेक्ट आंसर है। इसे पतली सीट में खींचने के लिए किसी धातु के गुण को क्या कहा जाता है, तो लचीलापन इसे कहा जाता है। गियर गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले आइलर गियर का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है रोटेशन की दिशा
दिशा आवश्यक दिशा होती है। कोणों को नापने के लिए जो है किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ऑप्टिकल प्लेट्स का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। धातु की खरोच, टूट फूट, घर्षण और भेद्यता को सहन करने के लिए क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, कठोरता कहा जाता है। खराद मशीन में ड्रिल और रीमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर टिल सॉक का जो है उपयोग किया जाता है। गियर पहियों के दांतों के अंदर परिष्करण के लिए आमतौर पर निम्न में से किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर बैरेट फाइल का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। खराद के शीशे के पिंच में प्रयुक्त धागे का प्रकार क्या है, तो यहाँ पर चौकोर धागा जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नटों में लकिंज लॉकिंग नट पर सीधी आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं, तो स्वान नट जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्लिप गेज के मापने वाले अग्रभाग द्वारा समाप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर लैंपिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। खराद लेथ के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण जो होता है, ये इसका आंतरिक कोण जो होता है ये कितना होता है, तो 60 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नेल जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की तुलनित नहीं है, तो यहाँ पर मैनुअल इसका करेक्ट आंसर है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से क्या नापा जाता है, तो इससे जो है यहाँ पर कोण को नापा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर किसको सख्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत को कार्बन की बढ़ती मात्रा में कठोर बनाया जाता है, तो इसे जो है कार्बो रेजिंग कहा जाता है। रेती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो रेती बनाने के लिए यहाँ पर उच्च कार्बन युक्त इस्पात का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। चिन्हन मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है यहाँ पर क्योंकि यह डेटम सतह आधार पर जो है प्रदान करती है, इसके लिए जो है यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये अगले सवाल है, यहाँ पर 50 mm और 150 mm के बीच आकार वाले पाइपों को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे आप, तो किस रिंच का यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, चेन पाइप रिंच का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस टॉप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगेगा, तो पोर पॉइंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगला सवाल है, ये दिए गए चित्र में दिखाए गए वोल्ट का प्रकार पहचानना है, तो ये कौन सा वोल्ट है, यहाँ पर बैट फाउंटेन वोल्ट है ये, आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। अगला यहाँ पर है, ड्रिल चाक को किसके माध्यम से जो है ड्रिलिंग मशीन में स्प्लेडन पर लगाया जाता है, तो आर्बर के द्वारा यहाँ पर जो है लगाया जाता है। स्टील नियम की सबसे कम गिनती है, तो 0.50 जो है mm इसका करेक्ट आंसर है। तो अगला सवाल है, यहाँ पर फीलर गेज का उपयोग जो होता है ये कहाँ पर किया जाता है, तो संयुग्मी भागों के बीच के रिक्त स्थान की जांच करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है।
भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या जो है कितनी है? तो यहाँ पर इसकी संख्या जो है 18 है, आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। फीलर गेज ब्लेड की मानक लंबाई जो होती है ये कितनी होती है? तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो है 100 mm होती है। जिंक लेपित लोहे को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे गल्वनाइजेशन की जो है आयरन कहा जाता है। इस पे जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो वही परत जो है गल्वनाइजेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुबिंदु काटने वाला उपकरण है? तो रेती जो है इसका करेक्ट आंसर है। नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया गया है, तो बोल्ट का नाममात्र व्यास जो है इसका करेक्ट आंसर है। ताप तार के व्यास की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर वायर गेज का जो है उपयोग किया जाता है। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर टॉलरेंस जो है इसका करेक्ट आंसर है। साचे चिक्स उपलब्ध हैं, तो ये कहाँ पर उपलब्ध हैं? ड्रिलिंग और बोरिंग करने के लिए जो है यहाँ पर साचे उपलब्ध हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री है जो एक बैच वाइस में एक होल्डिंग जबड़े का बाहरी भाग बना होता है? तो ढलवा लोहा जो है इसका करेक्ट आंसर है। पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व को क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य जो होता है यह एक तरफा प्रवाह को जो है ये सक्षम बनाता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग जो होता है ये कैसा होता है? तो ऑक्सीजन गैस जिसमें भरी होती है उसका रंग जो है यहाँ पर ब्लैक होता है। एक बड़े व्यास के वृत्त या वृत्तखंड चाप को उकेरने के लिए किस प्रकार की जो है कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो टाइमेल कंपास का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उच्च गति इस्पात का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है परंपरागत रूप से एक खराद मशीन में किस प्रकार की सतह को टैनिंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है? तो यहाँ पर बेलनाकार जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक थ्रेड की दिशिखा और जड़ को जोड़ने वाली सतह को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर फ्लैंक इसे कहा जाता है। छेद आकार प्रणाली में छेद को स्थिर रखा जाता है और वांछित फिट पाने के लिए किसको आकार भिन्न होता है? तो यहाँ पर सॉफ्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। रिंग आइलिंग प्रणाली को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर स्प्लैश फील्ड प्रणाली इसे कहा जाता है। गो और गो गेज का उपयोग जो होता है किसके मुख्य उद्देश्य के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है? तो लिमिट गेज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगला सवाल यहाँ पर न्यूमेरिकल है, जिसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। उच्च निम्न में से कौन सा लेपिंग अपकर्षण उच्च गुणवत्ता वाला फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया पारंपरिक प्रकार नहीं है? तो थर्मिट वेल्डिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। कि जब किसी छोटे छेद का आकार बड़े सॉफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्लियरेंस फिट उसे कहा जाता है। ट्विस्ट ड्रिल निम्नलिखित में से किस सामग्री की बनी होती है? तो ये उच्च गति इस्पात की यहाँ पर बनी होती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पर जो है टोटल 75 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि 21 जनवरी के प्रथम पाली में पूछे गए सवाल थे, तो फिटर ट्रेड से संबंधित थे। तो अगले वीडियो में मैं आपको जो है यहाँ पर
21 जनवरी के सेकंड पाली में आए हुए जो है फिटर टेट के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सारे पालियों के यहाँ पर पेपर हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप इन सभी पेपरों की जो है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक उसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो सारे वीडियो अपलोड होंगे, तो सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।